ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित भगवान ब्रह्मा को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिन्हें ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। भारत में ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर होने के कारण यह हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। ब्रह्मा मंदिर यहाँ उपस्थित होने की वजह से पुष्कर शहर बेहद पवित्र है। ये दुनिया के टॉप 10 धार्मिक स्थानों और भारत में हिंदुओं के टॉप 5 पवित्र स्थलों में से एक है। मैं आपको बताऊं कि मूल रूप से 14वीं शताब्दी में निर्मित ब्रह्मा जी के इस मंदिर को लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। शुरुआत में इस मंदिर का निर्माण श्री विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, जिसके बाद में आदि शंकराचार्य के अधीन इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्वार किया गया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मा मंदिर के सामने बहने वाली पुष्कर झील इस मंदिर को और भी ज्यादा पवित्र बनाती है। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने और पुष्कर झील में डुबकी लगाने से भक्तों को अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मंदिर की पौराणिक कथा की बात करें तो एक बार भगवान ब्रह्मा राक्षसों की किसी रुकावट के बिना शांतिपूर्वक तरीके से यज्ञ करना चाहते थे, जिसके लिए वो एक शांत जगह की तलाश में थे। जब ब्रह्मा किसी शांत जगह की तलाश कर रहे थे तो पुष्कर में उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया, जिसके बाद में उन्होंने पुष्कर में यज्ञ करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से भगवान ब्रह्मा जब यज्ञ करने जा रहे थे तब उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुजर समुदाय की लड़की गायत्री से विवाह कर लिया और उसके साथ यज्ञ की सारी रस्में पूरी की। लेकिन जब सावित्री ने अपने पत्नी को दूसरी महिला से विवाह करते देखा तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा उनके भक्तों द्वारा और कहीं भी नहीं करी जाएगी, इसलिए सिर्फ पुष्कर एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा भारत में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, ना ही उनकी कहीं पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये पुष्कर झील यानी पुष्कर सरोवर, जो कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं की झील है। इस प्रकार हिंदुओं के अनुसार ये एक तीर्थ है। पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था और इसी कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनवाया गया है। पुष्कर झील में कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर नवंबर माह में पुष्कर मेला पड़ता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं तथा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने पर त्वचा के सारे रोग दूर हो जाते हैं और त्वचा साफ सुथरी हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि झील के आसपास लगभग 500 हिंदू मंदिर स्थित हैं। झील राजस्थान के अजमेर सिटी से
11 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण भगवान बर्मा ने करवाया था। इसमें 52 स्नान घाट हैं। इन घाटों में वराह, बर्मा और गौ घाट महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से लोग यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एकत्रित होकर भगवान बर्मा की पूजा की उपासना करते हैं। पुष्कर में आने वाले लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं।